वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवतो की मंगलमय कथा। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी महाराज को दर्शन दिए, हिरण्यकश्यप को उद्धार करके अपने धाम में विराजमान कियो। ये मंगलमयी कथा राजा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ में नरजी महाराज ने सुनाई और समस्त आश्रमन को वर्णन सुनायो है, जाको श्रवण करके राजा युधिष्ठिर को बहुत आनंद आयो। तदुपरांत श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के प्रारंभ में भगवान के मनवंतरों की कथा कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु राज्य कर जाएं और ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युगी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग होते हैं। 4,32,000 वर्ष को कलयुग, 8,64,000 वर्ष को द्वापर, 12,96,000 वर्ष की त्रेता, 17,28,000 वर्ष को सतयुग, ऐसे ही एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की। तो स्वयंभू मनु जो पहले मनु थे उनकी रक्षा भगवान ने यज्ञ पुरुष के रूप में करी है। चौथे मनवंतर में महाराज भगवान ने गज ग्रह की कथा में गज की रक्षा ग्रह सकी, ये मंगलमयी कथा प्रातःकाल श्रवण करी। छठे मनमंत्र में भगवान अदिति रूप से कच्छप रूप से प्रकट भए, कछुआ को रूप धारण करके अपने पीठ पर मंद्राचल पर्वत को धारण करके भगवान ने समुद्र मंथन करायो। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर सुखदेव जी से प्रार्थना करने लगे, गुरु जी ये थोड़े समुद्र मंथन की कथा भी श्रवण करा दो। सुखदेव जी कह रहे, राजा एक दिन की बात है, दुर्वासा जी भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए गए महाराज वैकुंठ में और भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को दी। भगवान की प्रसादी माला दुर्वासा जी ने हाथ में ले ली, सोचने लगे हम तो संत हैं, महात्मा हैं, हमारे गले में तो ये तुलसी की कंठी ठीक है, ये भगवान की प्रसादी माला अपने चेला इंद्र को देंगे। ऐसी भावना करके वो भगवान की प्रसादी माला लेके दुर्वासा जी चले आ रहे थे। संयोग से उधर से सामने से ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ इंद्र आता हुआ दिख गए। दुर्वासा जी दौड़ के गए, बेटा इंद्र देख तेरे लिए भगवान की प्रसादी माला ले लेके आए, ले स्वीकार कर। इंद्र ने दुर्वासा जी के हाथ से माला ले तो ली, लेकिन मन में सोचने लगा, देखो गुरुजी भगवान की उतरी बासी कुसी माला ले आए, अरे हमारे बढ़िया बढ़िया बगीचों से माली सुंदर सुंदर पुष्पहार लाते हैं, थोड़ा सा पहन के उतार कर फेंक देता हूँ, ये बासी कुसी माला ले आए। ऐसे उपेक्षा के भाव से भगवान की प्रसादी माला ली, ना उसको गले में पहना, ना उसको प्रणाम किया, ना माला को सम्मान किया और भगवान की प्रसादी माला वो ऐरावत हाथी के सिर पर रख दी। और हाथी ने भी अपने स्वभाव से सूंड से माला उठाई, मस्तक से जमीन में डाल के पैरों से कुचल दी। ये भगवान की प्रसादी माला थी। माला का मतलब क्या होता है? बोले माँ लियते अस्मिन इति माला, इसमें माँ लक्ष्मी को निवास है। कमल के फूलों की माला थी, कमल में कमला लक्ष्मी को निवास रहे। आज भगवान की प्रसादी माला को ये अपमान देखा ना, क्रोध आ गए दुर्वासा जी को कि ऐसे मदानधों के लिए तो दरिद्रता रूपी काजल जब दिया जाए, अंजन जब दिया जाए, तब इनकी आंख खुलती है कि हाँ संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है। असतः श्री मदानंदस्य दारिद्र्यं परमानं
दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम सब देवता शक्तिहीन संपत्तिहीन हो जाओ। दुर्वासा जी के श्राप से सब देवता शक्तिहीन हो गए। राक्षसों को यह बात मालूम पड़ी, दैत्यों ने देवलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया, देवता हार गए, देवलोक खाली करके भाग गए। इंद्रासन पर राक्षसों के राजा बलि जाके विराजमान हो गए। देवता बन बन में भटकने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान रक्षा करो। भगवान प्रकट हो गए और बोले, देखो भैया तुम लोगों के विचार नहीं मिलते, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो। हो तो तुम आपस में भाई भाई, देवता और राक्षस आपस में बहन बहन के बेटा हैं, मौसेरे भाई हैं, दिति अदिति दोनों बहन, दिति के दैत्य अदिति के देवता। भगवान बोले, हो आपस में मौसेरे भाई, लेकिन विचारधारा नहीं मिलती है, इसलिए अलग अलग पार्टी बना ली, देवता पार्टी राक्षस पार्टी। भगवान बोले, ऐसा करो भाई, तुम्हारो ये लड़ाई झगड़ा तो हमेशा चलतो ही रहेगा और बार बार तुम भाग के हमारे पास आते हो, इस बार ऐसा करो समुद्र मंथन करो, समुद्र में से अमृत निकलेगा, वो अमृत मैं तुम लोगों को पान करा दूंगा, तुम अमर हो जाओगे। तुम्हारो जब राक्षसों से युद्ध होएगा, तुम केवल घायल होगे, राक्षस मारे जाएंगे, अपने आप लड़ते झगड़ते रहना, मारते रहना, बार बार हमारे पास हे भगवान करके चिल्ला के आना नहीं पड़ेगा। देवता तो बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु ये तो आपने बहुत बढ़िया उपाय बताया है, चलो जल्दी से समुद्र मंथन करके अमृत निकाले। भगवान बोले, भाई समुद्र मंथन कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत शक्ति की आवश्यकता हो गए, उसमें राक्षसों की भी शक्ति को उपयोग करना पड़ेगा। उनके संगम में मिलके एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता, फिर वासुकी सर्प की रस्सी बना के, मंद्राचल की रई बना के पर्वत की, और फिर समुद्र का मंथन होगा, तब अमृत निकलेगा। देवता कहने लगे, महाराज हमारे तो उनसे विचार ही नहीं मिलते राक्षसों से, उनको देखते ही आपस में हम लोगों में झगड़ा हो जाता है। भगवान बोले, देखो कभी अपना काम निकालना होता हो भैया बाप बना लेना चाहिए। भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार सांप पकड़ने वाले ने एक सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया, ढक्कन वाली डलिया में बंद कर दिया। सांप डलिया के अंदर बंद था पिटारी में, और उस डलिया के ऊपर एक चूहा उछल रहा हो। सांप सोचने लगा, देखो हमारा भोजन हमारे सिर पर नाच रहा है। पर सर्प ने विचार किया, इस समय विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, इस समय फुसकार से काम नहीं चलेगा, वो पुचकार से काम चलेगा। सांप ने बड़ी मीठी मीठी वाणी में चूहा से कहा, चूहा जी, ओ भैया चूहा जी। चूहा ने देखा हमारे नाम के संग जी लगा के कौन बोल रहा है सम्मान से। चूहा अकड़ गया, कौन है? सांप बोला, भैया चूहा जी, हम हैं सर्पानंद, और जिस डलिया के ऊपर आप उछल रहे हो उसी में अंदर है बंद। चूहा बोला, बहुत बढ़िया, डलिया में अंदर बंद हो, बाहर होते तो हमको खा जाते। चूहा सांप कहने लगा, नहीं भैया चूहा जी, हम तो फलाहारी महात्मा हो गए हैं, चार धाम की तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, इस दुष्ट ने हमको डलिया में बंद कर दिया। भैया चूहा जी, आपके तो दांत बड़े पहने हैं, आप थोड़ा हमारी इस डलिया में पिटारी में छेद कर दो, मैं बाहर निकल के आ जाऊं, मेरी चार धाम की यात्रा पूरी हो जाए। मेरी यात्रा पूर्ण होगी ना तो आपको भी फल मिलेगा। चूहा जी बेचारे सांप की मीठी मीठी बातों में आ गए। चूहा ने ये विचार नहीं किया कि सांप भी अभी सर्पानंद हो सके क्या, फलाहारी महात्मा हो सके क्या। लेकिन चूहा आज धोखे में आ गए और विश्वास कर लियो। चूहा ने वह पिटारी में डलिया में कुटुर कुटुर करके छेद कियो, सांप बाहर आयो, गोल गोल डलिया में बंद रहने से शरीर अकड़ गया था, बाहर आके शरीर फैलाया, फन फैलाया, बड़ी जोर से सांप को भूख लग रही थी, चूहा भोजन सामने, फिर क्या देरी, फन फैलाते ही सांप ने सबसे पहले चूहा जी को ही गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान समझा रहे हैं देवताओं को, देखो जैसे सांप ने बाहर आते ही चूहा को खा लिया, ऐसे ही अमृत पीते ही तुम सबसे पहले राक्षसों को खत्म कर दो।
भगवान बोले इसके लिए पहले तो मैं संधि करनी पड़ेगी। संधि में दोनों पक्ष हस्ताक्षर करोगे, लिखोगे कि जब तक समुद्र में से अमृत न निकल जाए, अमृत का वितरण न हो जाए, तब तक किसी भी छोटी बड़ी बात को लेकर तुम लोगों में आपस में झगड़ा झुगड़ा नहीं होगा। ठीक है? हाँ महाराज ठीक है। भगवान बोले एक बात और सुनो। देवताओं को समझाया कि देखो जब तुम राक्षसों के पास जा रहे हो तो उनसे कहना अमृत निकलेगा, आप भी अमृत का पान करना, हम भी अमृत का पान करेंगे, अमर हो जाएंगे, हाथ पैर टूटेंगे, मृत्यु नहीं होगी। अमृत के लोभ में ही वो दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गएंगे। और एक बात और है, भगवान बोले देखो समुद्र मंथन के समय सागर में से बहुमूल्य बहुमूल्य बहुत सी वस्तु निकलेंगे। किसी वस्तु के बंटवारे को लेकर अगर झगड़ा हो और मैं कहूं कि दे दो ये चीज, ये वस्तु दे दो देवताओं को, ये वस्तु दे दो राक्षसों को, तो उस समय ये मत कहना महाराज इतनी कीमती वस्तु कैसे दैत्यों को दे दें। मैं जैसे कहूं वैसे ही करना। ठीक है? हाँ प्रभु ठीक। अपनी बुद्धि मत लगाना, देवताओं की आदत होती है अपनी अपनी बुद्धि लगाने की। तो भगवान ने पहले ही समझा दिया अपनी बुद्धि मत लगाना, हम जो कहें सो करते जाओ। भगवान के कहने से आज सब देवता राक्षस राज बलि के पास पहुंचे। जिस इंद्रलोक में देवता रहते थे आज वहां राक्षसों का वास है। जिस इंद्र के सिंहासन पे इंद्र बैठता था आज वहां महाराज राक्षसों के राजा बलि विराजमान है। ये सिंहासन किसी का सगा नहीं, आज किसी का, कल किसी का, परसों किसी का, बदल तो रहे। जैसे ही देवता पहुंचे राक्षसों ने कहा मारो मारो। बलि ने पूछा भैया किसको मारो? महाराज देवता आए हैं लड़ने के लिए, अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं, बोले हाथ जोड़ के खड़े हैं। अरे तो अपने भाई है भाई, बुलाओ, क्या बात। समस्त देवता इंद्र बलि के पास पहुंचे। बलि ने पूछा भैया इंद्र कैसे आए? बोले महाराज बलि बात यह है, देखो भगवान के पास गए थे, भगवान ने कहा था हमारे और आपके विचार आपस में मिलते नहीं है, झगड़ा चलता रहता है, समुद्र मंथन करो अमृत निकलेगा, हम आप सब लोग अमृत पी लेंगे, विचार न मिलने के कारण कभी झगड़ा होएगा तो हाथ पैर टूटेंगे, केवल घायल होंगे, प्राण नहीं निकलेंगे। राक्षसों ने कहा यह संभव है? देवता बोले भगवान बोल रहे हैं तो भगवान की कही बात तो कभी असंभव हो ही नहीं सके, तो क्या करना है? बोले पहले संधि होगी, झगड़ा नहीं होगा जब तक अमृत नहीं निकले। दोनों पक्षों की तरफ से लिखित में संधि हो गई, हस्ताक्षर हो गए। मंद्राचल पर्वत को लेने के लिए गए महाराज, पर्वत बहुत भारी था, हिला हिला के उखाड़ तो लिया दोनों ने मिलकर, देवताओं ने राक्षसों ने, लेकिन जैसे ही उठाकर चलने लगे और देवताओं के हाथ से छूटकर राक्षसों के ऊपर पहाड़ गिरा, आधे से ज्यादा दैत्य मर गए। बचे हुए दैत्य राक्षस तलवार लेकर दौड़े, हमें धोखे से मारने के लिए आए थे पर्वत के नीचे। इतने में भगवान प्रकट हो गए, अभी अभी तुमने संधि की है, अमृत नहीं निकलेगा तब तक झगड़ा झुगड़ी नहीं करोगे, और अभी से लड़ने लगे। देखो महाराज हम लोगों को धोखे से पहाड़ के नीचे कर दियो। भगवान बोले कोई बात नहीं है, पर्वत है, संभल नहीं पाया, हाथ से फिसल गया, चलो कोई अभी ठीक करें। भगवान ने बाएं हाथ से मंद्राचल को उठाए के गरुण जी के ऊपर रख लियो और अमृत दृष्टि से सबको जीवित कर दियो। सब देवता दैत्य आश्चर्य कर गए, प्रभु हम इतने राक्षस इतने देवता मिलकर जिस पर्वत को नहीं उठा पाए आपने एक हाथ से उठा लिया। भगवान बोले हम तुम्हारी तरह चाय कॉफी नहीं पीते हैं, और हमने ब्रज में खूब मक्खन खाया हो ना, ताकत मक्खन मिश्री खाते हैं, दूध दही खाते हैं। महाराज मंद्राचल पर्वत को ले जाके वासुकी सर्प की रस्सी बना के और डाल दियो समुद्र में। अब बिना किसी आधार के पर्वत नीचे को डूबने लगो, समस्त देवता समस्त दैत्य उदास हो गए, पर्वत ही डूब जाएगा तो मंथन कैसे होगा। भाई समय भगवान ने एक रूप से तो सबके संग में खड़े हैं नारायण रूप से, और एक रूप से समुद्र के अंदर बहुत बड़े कछुआ का रूप, कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर मंद्राचल को आधार देके और ऊपर को उठा दियो। भगवान को कच्छप अवतार, बोलिए कच्छप भगवान की जय।